गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सबसे पहले लर्निंग के बारे में जाना था, फिर जाना था कि लर्निंग की नेचर क्या है, और फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जाना था जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। और अब हम लर्निंग एज अ प्रोसेस और लर्निंग एज अ आउटकम के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग का प्रोसेस कैसे है? लर्निंग का प्रोसेस जो है वो पूरा लाइफ टाइम ही चलता रहता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। और एक जो लर्नर है वो थ्रू आउट लाइफ लर्नर ही रहता है। जैसे एक टीचर है वो भी थ्रू आउट लर्नर ही होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू कंसेप्ट्स जो हैं उसे सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लर्निंग एक प्रोसेस कैसे है? सबसे पहले इसका मोटिव होता है। हम कुछ भी लर्न करते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्लस वन प्लस टू के बाद एक व्यक्ति, एक जो छोटा बच्चा होता है, लर्नर होता है, वो सोचता है मैंने ये बनना है ना। उसके जो गोल्स होते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट्स चूज़ करता है। तो लर्निंग क्या है? एक तरह के प्रोसेस है जिससे उसको वोकेशन प्रोवाइड होती है और उसे पता चलता है कि उसने अपने लाइफ में बनना क्या है। ठीक है, सेकंड है रेडीनेस। रेडीनेस क्या है? सबसे पहले टीचर जो है बच्चों को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है, ताकि वो बच्चा जो है इजीली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। बच्चे की विलिंगनेस होगी, बच्चे की इच्छा होगी, तभी वो बच्चा जो है वो सीख पाएगा। तो लर्निंग क्या है? एक तरह से विलिंगनेस भी है, क्योंकि अपनी इच्छा से ही बच्चा जो है लर्न कर पाता है। थर्ड है लर्निंग सिचुएशन। अब अगर कहो कि एग्ज़ाम है बच्चे के और पास डीजे लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं। स्कूल, अगर आपने स्कूल मैनेजमेंट पढ़ी है, तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि जो स्कूल है वो इस तरीके से मतलब कि उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इतना शोर वगैरह ना हो। लर्निंग सिचुएशन बच्चे को प्रोवाइड होगी, तभी वो अच्छे से बच्चा पढ़ पाएगा। ठीक है, तो लर्निंग सिचुएशन होनी चाहिए। फोर्थ है इंट्रैक्शन। अब एक क्लास में कम से कम 50 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें इंट्रैक्शन होती है, वे एक दूसरे से बातें करते हैं और कंसेप्ट जो है एक दूसरे से कई बार डिस्कस करके वो सीख लेते हैं। तो ये इंट्रैक्शन भी एक प्रोसेस है लर्निंग का, जिससे बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। क्योंकि एक बच्चा जो है, अगर हम कहें 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो जब वो इंट्रैक्ट करेंगे, उनके जो अपने व्यूज़ हैं वो भी एक दूसरे के साथ जब वो शेयर करेंगे, तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। लर्निंग एक प्रोसेस है और ये एडजस्टमेंट करना सिखाता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में, कि हमें क्या सिखाया जाता है कि एक सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है और कैसे कोऑपरेशन के साथ रहना है, सीखा था ना हमने। तो यही लर्निंग एक प्रोसेस है, वो हमें सिखाता है एडजस्टमेंट करना, वही फीलिंग सिखाता है दूसरों के। हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। वो सब कैसे सिखाई जाती हैं? बाय लर्निंग ही हम ये सब सीखते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस। अब एक जो बच्चा लर्न करता है, उसके बाद बहुत सारे जो हैं उसमें चेंजेस आते हैं। अगर बच्चों को हम SST पढ़ाते हैं, तो उसमें पैट्रियटिज्म की भावना, नेशनलिज्म की भावना आती है, वही फीलिंग आती है। दूसरों के साथ जो है उसे डील करना आता है, सोसाइटी में कैसे रहना है। हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जब भी हमारे घर में कोई आता है, तो मॉम डैड कहते हैं ना कि उन्हें नमस्ते करो या पैरी पहना करो, है ना। तो ये सब क्या है? ये चेंजेस आते हैं लर्निंग के थ्रू ही। ये सब भी एक लर्निंग है, जो कि हमें मॉरल वैल्यूज़ हमारे मॉम डैड के द्वारा सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है फिक्सेशन। फिक्सेशन इसे स्टेबलाइजेशन भी कहा जाता है, कि एक बच्चा जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब कि उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है, उसे कंसेप्ट जो हैं सभी के बारे में नॉलेज हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में। जब ये सब उसकी लर्निंग होती है, तो बच्चा जो है स्टेबलाइज हो जाता है और उसे पता होता है कि किस स्थिति में हमें कैसे जो है डील करना है। नेक्स्ट है लर्निंग एज अ आउटकम। आउटकम क्या है? आउटकम क्या होता है? रिजल्ट। की एक टीचर ने जैसे पढ़ा दिया, तो टीचर ने पढ़ाने के बाद बच्चों का जो है आउटकम कैसा था, रिजल्ट कैसा था। ठीक है, तो आउटकम क्या आता है बच्चों को पढ़ाने से? सबसे पहला इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, कि बच्चों के जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, बच्चों को पता चलता है कि कैसे बिहेव करना है। एक जो छोटा बच्चा होता है, उसे तो कुछ भी पता नहीं होता कि कैसे दूसरों के साथ बात करनी है। धीरे धीरे उसे सिखाई जाती है कि ऐसे बात करनी है। अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि सबसे पहले जब कोई बड़ा है, तो उसकी उसको जो है नमस्ते करनी है, या तो ये क्या है, बिहेवियर का ही हमारी इम्प्रूवमेंट है, जो कि लर्निंग के द्वारा हमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होता है? जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमें क्यों पढ़ाया जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैथ से, हमें हमारे जो है
रीजनिंग करनी हमें आती है, ठीक है, और साइंस से हमें लॉजिक्स वगैरह के बारे में पता चलता है, सोशल साइंसेस से जो है हमें अपने राइट्स के बारे में, अपने ड्यूटीज़ के बारे में, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है ना। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है लर्निंग का, कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव कर लेते हैं। थर्ड है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। लर्निंग से बच्चों की ग्रोथ भी होती है और उसकी उनकी डिवेलपमेंट भी होती है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, सभी कंसेप्ट के बारे में बच्चों को पता चलता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। इस तरीके से बच्चों की डेवलपमेंट होती है, उनके ग्रोथ की भी और उनकी डेवलपमेंट भी होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पता चलता है कि कैसे दूसरों के साथ डील करना है, कैसे उन्होंने पढ़ना है और कैसे जो है उनमें लीडरशिप की भावना भी आती है, सुपरवाइज कैसे दूसरों को करना है। जब उन्हें कहा जाता है कि ग्रुप वर्क करो, तो उसमें जो है कोई एक बच्चा जो है लीडरशिप लीडर भी होता है ना, तो उसमें लीडरशिप की भावनाएं आती हैं, उसकी पर्सनैलिटी जो है डिवेल्प होती है, दूसरों के साथ जो है उसे उठना बैठना आता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना आता है, कैसे बात करनी है, दूसरों के व्यूज़ के बारे में पता चलता है, सोसाइटी में कैसे दूसरों के साथ डील करना है, ये सब आता है। तो ये सब कैसे आता है, एक लर्निंग से, मतलब कि हम जब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमारी जो लर्निंग होती है यही हमें हमारी पर्सनैलिटी को भी डिवेल्प करता है। नेक्स्ट है एडिक्वेट एडजस्टमेंट, जो कि हमने लर्निंग एज अ प्रोसेस में भी किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को एडजस्ट करना आता है दूसरों के साथ। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो कैसे दूसरों के साथ एडजस्ट करना है, ये सब हमें सिखाया जाता है। तो ये क्या है, हमारी एडिक्वेट एडजस्टमेंट हमें आती है। सिक्स्थ है गोल्स ऑफ लाइफ, हमारे जो लाइफ के गोल्स होते हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं हम, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता होगा कि अब हम बीएड कर रहे हैं, ठीक है, बीएड कर रहे हो आप, तो क्यों कर रहे हो, ताकि आपको वोकेशन प्रोवाइड हो। तो ये क्या है, आपका गोल है लाइफ का। तो इसी तरीके से लर्निंग की, लर्निंग एक आउटकम है, उससे हमें क्या प्रोवाइड होता है, हमारे लाइफ का गोल, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, लर्निंग एज अ प्रोसेस और लर्निंग एज अ आउटकम। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, और लर्निंग क्या है, एक हमारा आउटकम भी है, हमारा रिजल्ट है। लर्निंग के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी पर्सनैलिटी डिवेल्प करती है, हमारे बिहेवियर में जो है इम्प्रूवमेंट आती है, हमारे जो गोल्स हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं हम, ठीक है, हमें जॉब मिलती है, ठीक है, स्किल्स जो है हमारी और इम्प्रूव होती है। तो ये था लर्निंग एज अ प्रोसेस और लर्निंग एज अ आउटकम। सो होप यू लाइक दिस, थैंक यू।